फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पोको मोबाइल में गूगल वॉइस टाइपिंग कैसे ऑन करें। कीबोर्ड में एक माइक होता है जिससे वॉइस टाइपिंग होता है, वो वाला माइक कैसे लाएं पोको मोबाइल में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि पोको मोबाइल में गूगल वॉइस टाइपिंग कैसे ऑन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पोको मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद आप यहाँ एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आएगा। उसके बाद आप यहाँ लैंग्वेज एंड इनपुट के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैनेज कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। करंट कीबोर्ड में मेरा जीवर्ड वाला सेट है, तो आपको यहाँ मैनेज कीबोर्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ गूगल वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ ओके का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ ओके के ऑप्शन पर क्लिक करिए तो ये ऑन हो जाएगा। और आपका करंट कीबोर्ड जो सेट है उसके सेटिंग में जाइए। जैसे मेरा करंट कीबोर्ड जीवर्ड सेट है तो जीवर्ड का सेटिंग्स यहाँ पर मिलता है, आप यहाँ इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यूज वॉइस टाइपिंग ये अभी ऑफ है, आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। जैसे मैं इसको भी ऑन कर दिया, तो जैसे इतना कर देंगे उसके बाद आपका मोबाइल में जो है वो गूगल वॉइस टाइपिंग ऑन हो जाएगा। जैसे अब मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, चैट ओपन करता हूँ, तो देख सकते हैं अब कीबोर्ड में यहाँ पर एक माइक आ गया। अब हम इस पर क्लिक करके जो भी बोलेंगे तो वो वॉइस टाइपिंग होगा। जैसे इस पर मैं क्लिक किया और पहले अलाउ करना होगा, मैं अलाउ कर दिया। अब बोलता हूँ हाय, हेलो, देख सकते हैं टाइप हो रहा है, और भेजना है तो आप भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप पोको मोबाइल में आप जो है वो गूगल वॉइस टाइपिंग ऑन कर सकते हैं।